अस्सलाम वालेकुम वेट लॉस करना है और आपके हिप का साइज़ कम नहीं हो रहा हिप की शेप नहीं आ रही हिप्स में से फ़ैट ख़त्म करना है बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं हमें पी सी ओज का इशू है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट है शेप नहीं आ रही इसके लिए स्पेशल और आज मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज करवानी है इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी करनी है और ख़ास तौर पर लेडीज़ और ख़ास तौर पर वो लड़के जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है और वो चाहते हैं कि उनका इधर का फैट खत्म हो और उनके सारे मसले मसाले खत्म हो जाए तो आपने बेस्ट 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 वालों आपके पास अगर इस तरह बेंच है तो भी ठीक है नहीं तो भाई सोफे का इंतजाम तो होगा ना घर में कुछ भी है आपने करना क्या है आपने इस तरह ग्रिप कर लेनी है और ये सिंगल लेग है अब लेग को इस तरह बेंड रखना है आपने पहले इसको ले जाना है पीछे यहां पर फिर लेकर आना है इसके बिल्कुल साथ और ये फिर साइड पर ठीक है तो ये दोनों मूवमेंट्स होंगी तो आपने एक गिननी है ठीक है जैसे ये 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 दो होगी और ये तीन हो ठीक है तो इसको ना तो थोड़ा सा स्लो करना है ठीक है यहां पर थोड़ा सा होल्ड किया वापस आए फिर यहां पर किया यहां पर थोड़ा सा होल्ड किया फिर वापस आए ठीक है तो ये मेन आपके कहां पर टारगेट करेगी एक तो आपके ग्लूट्स और फिर ग्लूट्स के साथ वाला एरिया ठीक है मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों ये इसने टारगेट करने हैं और ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है आपने लाजमी करना है और ये दोनों को आपने इसी तरह जो है ट्वेंटी टाइम एक साइड पर फिर ट्वेंटी टाइम दूसरी साइड पर अब बहुत सारे लोग मुझे देख लेते हैं लेकिन देखने के बावजूद एक जो मेन सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना वो होता है एक्सरसाइज का सीक्वेंस सीक्वेंस यानी कि जिस तरह मैं करवा रहा हूँ ना जिस स्पीड के साथ आपने उतनी स्पीड रखनी है आप लोग बहुत तेज़ करते हो ठीक है बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज जाते हैं वो मुझे बताते हैं किस तरह तो फिर जब मुझे मामला पता चलते हैं तो आप लोग एक्सरसाइज बहुत तेज़ कर रहे होते हो मेन चीज़ होती है आपने मसल्स को टारगेट करना है दिमाग में मसल्स की एक जो है ना कनेक्शन बनाना है जब वो कनेक्शन बनेगा तो तब आपके मसल्स के अंदर से जो है वो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे अब देखिए मैं दूसरी साइड पर करके दिखा रहा हूँ इसको ज़रा गौर से आप देखिएगा नोट भी करिएगा ये देखें अब ये लग गई ये पीछे बैंड फिर ये वापस ये कम से कम तीन से चार सेकंड का, का काम हुआ है ठीक है तीन से चार सेकंड का तो इसी तरह हर रेपिटेशन पर आपके तीन से चार सेकंड जो है वो लगने चाहिए ताकि आपको अच्छे से जो है वो आए रिजल्ट यस ओके ये देख लें आप ठीक है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है करने से ये इजी हो जाना है ठीक है जी तो ये भी आपने इसी तरह इसको भी ट्वेंटी टाइम करना है लेफ्ट लेग के ऊपर भी फिर राइट लेग के ऊपर आना है ट्वेंटी ट्वेंटी 20, 20 आपने करना है और ये ट्वेंटी ट्वेंटी आपने तीन, तीन तीन बार रिपीट करना है कितनी कितनी बार तीन तीन बार रिपीट करना है मैं दोबारा फिर आ रहा हूं ठीक है तो तशरीफ तो जी ना उड़ा के रख देनी ठीक है ना ये देखें ये ये, ओके okay? ये और ये ओके दिस वन और दिस वन ठीक है तो सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड पर करना है ठीक है yes. ये ये गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स ठीक है सेम स्पीड जो है ना आपने बहुत मैटर करती है आपने ये ही स्पीड रखनी है ये ही सीक्वेंस रखना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये एक्सरसाइज मैं समझा रहा हूँ ठीक है तो इसको इस तरह करना अब आप आपसे अगर मुश्किल लगता है आपसे ट्वेंटी इकट्ठे नहीं होते आप दस कर लो दस एक साइड पर कर लो दस दूसरी साइड पर करो फिर दस दस कर लो ठीक है अगर फिर भी आपका वजन बहुत ज़्यादा है फिर भी नहीं होते तो आप क्या करो आप पाँच पाँच कर लो पाँच करो रुको फिर दूसरी साइड पर पाँच करो फिर रुको फिर दूसरी साइड पर पाँच करो ठीक है तो इस तरह भी अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे लें जी ये एक्सरसाइज आपने समझ लिया अब अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये भी ग्लूट्स की एक्सरसाइज है ये भी हिप्स की एक्सरसाइज है ठीक है तो ग्लूट्स जो है ना जिस तरह इनकी शेप है इसमें मसल बहुत है तो सारे आपको टारगेट करने पड़ते हैं तो अब क्या करना है अब आपने अब आपने दोबारा फिर ये घुटने लगाने नीचे ठीक है अब ये लेग आपने बिल्कुल टाइट कर लेनी है टाइट कर ली टाइट करके ये बाहर बाहर से जाएगी आप कहेंगे ना जमीन पर लगेगी जमीन पर लगती है तो बाहर निकाल दे ये बाहर से जाएगी यहां तक इधर तीन सेकंड होल्ड होगा बिल्कुल टाइट लेग है फिर वापस एक फिर जाएगी फिर तीन सेकंड होल्ड फिर वापस दो यस तीन के okay? चार्च सात आठ नौ बस एक चीज आपने नोट करनी है ये दस रेपिटेशन मैंने किया ना दस के दस रेपिटेशन एक जैसे हैं हर रेपिटेशन एक जैसे लोग पता क्या करते हैं लोग जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं ना पहले तीन चार रेपिटेशन अच्छे लगाए फिर भूल जाता है फिर जिदा दे लग गए लागे अल्लाह खैर सल ऐसे नहीं पहला रेपिटेशन जैसा होगा एंड तक वो ही फ्लो रखना है ठीक है एनर्जी बर्न होती जाएगी या एनर्जी ज़ाया होती जाएगी, जाएगी कोशिश करते जाएंगे लेकिन मज़ा आता जाएगा ठीक है ये दोबारा फिर लग ये देखे टाइट अब मैं राइट लेग कर रहा हूँ एक ठीक है दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ठीक है जी तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइजेस हैं ग्लूट्स के लिए आपके ग्लूट्स के लिए यानी कि हिप्स की जो मेन गुलाई है ना तो ये उसके लिए एक्सरसाइज है ये तीनों एक्सरसाइजेस हैं। अब ये जो एंड पर मैंने करवाई है ना इसको भी आपने तीन बार रिपीट करना इसको भी आपने तीन बार रिपीट करना है ये रिपीट करने के बाद ना अब आपकी आखिरी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में मेन आपकी चीखें निकलवानी है अब हमने करना है हाथ आपने यहां पर रख लेने पूरा उठना नहीं है पूरा खड़े होकर आपने लेग इस तरह ओपन नहीं कर देनी यहां पर रहना है यहां से नीचे बैठना है हल्का सा सीट को टच करना है फिर उठ जाना है एक ठीक है तो यहां से दो और ये हमने करना है ट्वेंटी तीन चार होता है ठीक है जिनसे नहीं होता किसी चीज का सहारा ले ले। ये चार आपने तीन, तीन तीन बार रिपीट कर लेनी है तो ये स्क्वाट्स जिनसे होते हैं ठीक है नहीं तो किसी चीज का सहारा ले ले प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिजल्ट बहुत कमाल के आने वाले हैं। लाजमी इसको करें लाजमी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम इशू हो मुझे नीचे लाजमी बताएं आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं और उन्हीं के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ हाँ कमेंट्स के अक्सर रिप्लाई नहीं करता क्योंकि मैं जस्ट नोट करता हूँ कि पता चल जाता है मुझे कि लोग क्या चाह रहे हैं तो आप जो भी चाह रहे हैं मुझे लाजमी बताएँ तो इन शाला इनशा उसके ऊपर और वीडियो बनाऊँगा कर लो यार अल्लाह